नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीसी मोटर के बेसिक के बारे में जानेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए मोटर इज मैक्सिमम। किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये यूपी RVUNL TJ2 2016 में पूछा गया था, UPPCL में भी, TJ2 2015 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और भी कहीं वे में पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम आज एक डेरिवेशन करेंगे जिसके माध्यम से हम इसका आंसर जान पाएंगे। तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। बैक EMF इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। बैक EMF लागू वोल्टेज के बराबर होता है। यानी ये कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये कहता है मैक्सिमम पावर डेवलप्ड मोटर की कब होगी, मैक्सिमम पावर मोटर की कब होगी, यानी कि जब होगी, जब बैक EMF इक्वल होगा अप्लाइड वोल्टेज के, या जब होगी बैक EMF इज हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या बैक EMF इज 25% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या बैक EMF इज 75% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डेरिवेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आज ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डीसी मोटर का बेसिक भी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो ठीक है, आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर का। तो देखेंगे जो आज मैं आपको इक्वेशन राइट कराने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं, देखिएगा। देखिए ईबी वी माइनस IaRa, ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट की इक्वेशन है डीसी मोटर की, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट मैंने डिजाइन कराया था, उधर से ये इक्वेशन ली हुई है। ईबी इक्वल्स टू वी माइनस IaRa। आप चाहें तो देख सकते हैं मेरी वीडियोस को, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, वहां पे आपको डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं जिससे आपका एक्सप्लेनेशन और अच्छा हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहां पे मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे मैंने डीसी सप्लाई दे दी, ये मेरा फील्ड करंट आता है, फील्ड करंट आएगा इस वाइंडिंग के अंदर तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएंगे, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या है, फिर दोबारा से मशीन डिजाइन कर रहा हूं। अब कि यहां पे मैं डीसी मोटर ही बना रहा हूं जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये मेरी सप्लाई वोल्टेज थी, क्योंकि मोटर का केस है तो ये सप्लाई वोल्टेज थी, और ये लोड करंट मैं मान रहा हूं। देखिए मैंने लोड करंट यहां पे, लेकिन मोटर का केस है, ये लोड करंट को मैं क्या बोलूं, सप्लाई करंट, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये आएगा बैक EMF प्लस माइनस। तो ये ही चीज मैंने आपको बताई थी, ये किसका सर्किट है, किसका सर्किट है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का, ये आपको मैंने बताया था किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन में। तो वहीं से ये इक्वेशन यहां से मैंने लिखी हुई है, इसमें अगर आप KVL अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ईबी इक्वल्स टू वी माइनस IaRa। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं, वन, इसे इक्वेशन वन कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं IA से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं, IA से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ईबी IA इक्वल्स टू वी IA दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी, और यहां पे IA का स्क्वायर RA, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये आपका IA का स्क्वायर RA, IA का स्क्वायर RA, ये एक तरीके से क्या है, देखिए IA का स्क्वायर RA, ये एक तरीके से आपका लॉस होता है पावर की फॉर्म में, लॉसेस होते हैं ये पावर की फॉर्म में। आपको पता होगा कि पावर मैंने आपको लिखवाई थी, पावर इक्वल्स टू कितना होता था, वी इंटू आई, ठीक है ना, या फिर ये लिख सकते थे वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ये लिख सकते थे आई स्क्वायर आर। तो देखिए
तीन वे में पावर को डिफाइन कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे देखिए आई ए का स्क्वायर आर ए लिखा हुआ है, ये देखिए इधर भी मैच कर रहा है पावर आई ए का स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर यानी आई ए का स्क्वायर आर ए, ये एक तरीके से क्या हो गया लॉसेज हो गए, ये क्या होते हैं ये लॉसेज होते हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा ये क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की फॉर्म में ही लॉसेज आपके बनते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे वी आई ए, ये वी आई ए क्या होता है, वी आई ए देखिए वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज और करंट है एक तरीके से सप्लाई करंट, यहाँ पे आई एल आई ए के बराबर है, सीरीज में करंट शुड बी सेम, तो आई ए आई ए आई एल के बराबर हुआ। इट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे हम लिख सकते हैं वी आई ए, तो ये एक तरीके से क्या हुई ये आपकी हुई इनपुट पावर, इनपुट पावर आप समझ गए होंगे जो सप्लाई करंट हुई यानी आई ए और जो सप्लाई वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज कह लीजिए वो अगर इनकी मल्टीप्लाई होती है इनका प्रोडक्ट जो होता है वो उसे हम इनपुट पावर बोलेंगे। देखिए ये भी पावर है वी इंटू आई, वी इंटू आई, तो एक तरीके से ये भी पावर है, ठीक है। तो इसे हमने क्या कंसिडर किया हुआ इनपुट पावर, क्योंकि ये सप्लाई पे है तो सप्लाई की वजह से क्या बनी इनपुट पावर, ठीक है। अब ईबीआईए, ईबीआईए क्या है, ये एक तरीके से ये भी पावर होती है, इसको हम क्या मान रहे हैं आउटपुट पावर, बट ये एक तरीके से नेट पावर नहीं होती। नेट पावर कहने का मीनिंग ये है कि जो शाफ्ट को घुमा रही है ओवरऑल पूरे शाफ्ट जब घूमना शुरू कर देता जो शाफ्ट पे लगी हुई पावर होती है, जो शाफ्ट पे लगती है पावर उसको हम नेट पावर बोलते हैं, बट ये हमारी जो आउटपुट पावर है वो हमारी नेट पावर नहीं होती, ये हमारी कौन सी होती है इसे हम आउटपुट पावर तो बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर, क्या बोलेंगे इसे मैं एक बार लिख देता हूं, ग्रॉस और ग्रॉस मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर इसे बोला जाता है। देखिए यहां पे ग्रॉस का मीनिंग होता है मोटा मोटा, मोटा मोटा का मतलब ये होता है कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं उससे पहले एक एस्टीमेट तैयार करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई हमने इतना हिसाब लगा लिया, लेकिन जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो क्या होता है वो रेट ज्यादा का मिलता है या आपका जो आपने लगाया था एस्टीमेट उससे ज्यादा का आपका एस्टीमेट निकल के आता है, तो वो तो हुआ एक्चुअल यानी नेट हुआ, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो वो एक तरीके से नेट हुआ, ये हमारा क्या है ग्रॉस, ग्रॉस यानी आपने मान के चल रहे थे इतना आपका खर्चा होगा, अब खर्चा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए वो नेट होता है, तो ग्रॉस उसको बोलते हैं, ग्रॉस मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाना। तो अब आप समझ गए होंगे ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर होती है ईबीआईए, अब ये मैकेनिकल पावर नहीं है, मैकेनिकल पावर क्या लगेगी रोटर को घुमाने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज एन मैकेनिकल पावर, लेकिन ये जो आउटपुट पावर है आपकी वो कौन सी है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है ईबीआईए की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इतना समझ में आता है, तो मैं क्या काम करता हूं इसको मैं लिख लेता हूं पी ग्रॉस मैकेनिकल पावर, तो मैं इसको कुछ इस वे में लिख लेता हूं पी इक्वल्स टू, इसको मैंने पी मान लिया है क्योंकि ये एक तरीके से पावर है ग्रॉस मैकेनिकल पावर या आउटपुट पावर, तो मैंने इसको पी लिख लिया है, ठीक है। इसे यहां पे लिख लिया एज इट इज वी आई ए माइनस आई ए का स्क्वायर आर ए, ठीक है, ये मेरी हुई सेकंड इक्वेशन, मैं इसे सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर कंडीशन अगर आपको चाहिए, मैक्सिमम पावर कंडीशन आपको चाहिए कि मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो ये आपको देखिए पूछ भी क्या रहा है क्वेश्चन में, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए मोटर इज मैक्सिमम, यानी हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम पावर कंडीशन लिखते हैं यहां पे, फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर कंडीशन, ये मैक्सिमम पावर कंडीशन मैं यहां पे आपको लिखवा रहा हूं, तो देखिए क्या होती है मैक्सिमम पावर कंडीशन, ये होती है आपकी डीपी बाय डीआईए इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या हो गई ये हमारी मैक्सिमम पावर कंडीशन होती है, यानी कि जो पावर है आपकी उसको किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आईए, आर्मेचर करंट की रेस्पेक्ट से पावर को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्विवेलेंट टू किसके कर देंगे जीरो के,
तो वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम पावर कंडीशन होगी। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए ये डेरिवेशन एक्चुअल में वैसे तो इम्पॉर्टेंट है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, आईटीआई वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझ के चलना है किस तरीके से आई हुई है, ठीक है। तो हम समझ के चलेंगे। देखिए डीपी बाई डी आई ए, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन से भी बच्चों को नहीं डरना कि आईटीआई वाले बच्चे सोचे कि हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ज्यादा बड़ा वो नहीं है टॉपिक, मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल से वे में आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए ये पी यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, वी आई ए माइनस आई ए का स्क्वायर आर है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। देखिए डी पी कितना है, पी ब्रैकेट में वी आई ए माइनस आई ए का स्क्वायर आर है, ठीक है, अपॉन डी आई ए, अपॉन क्या हुआ डी आई ए। तो डिफरेंशिएशन कर दी इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंशिएशन देखिए इसकी भी करनी है, वी आई ए की और आई ए स्क्वायर आर ए की भी करनी है, तो डिफरेंशिएशन दोनों को अलग अलग उसमें लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इसे भी लिख लेता हूं साइड में, डी वी आई ए बाई, देखिए कुछ इस वे में लिख लेता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, माइनस का अब डिफरेंशिएशन इसमें भी लगा दे रहा हूं। तो देखिए डी आई ए का स्क्वायर आर ए, इसे मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, अपॉन डी आई ए इक्वल टू जीरो। समझ में आया इतना, किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होगी, अगर हो तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे लिखिएगा। देखिए यहां पे किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, आई ए की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहां पे आई ए ही रखे आई ए का वेरिएबल ही रखा रहेगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी कांस्टेंट होगी। तो वी भी आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं आईए के रिस्पेक्ट से, तो वी का कोई मतलब नहीं है, तो ये बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, बचता क्या है अंदर डी आई ए बाय डी आई ए, ठीक है, माइनस ऐसे ही आर ए भी यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं आईए के रिस्पेक्ट से, तो आर ए डिफरेंशिएशन से मैंने बाहर लिख दिया और आईए का स्क्वायर बाय डी आई ए इक्वल टू जीरो। देखिएगा यहाँ पे डी आई ए कैंसिल हो गया है, बचता क्या है V। इसी तरीके से माइनस आर ए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लिख दे रहा हूं। देखिए फॉर्मूला डी बाई डी टी टी की पावर एन इक्वल्स टू एन टी एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, जस्ट मैं यहां पे ही आपको राइट करके दिखा देता हूं कैसे मैं इसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर टी की रेस्पेक्ट है और टी की पावर एन है तो एन टी एन माइनस वन लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे डी आई ए का स्क्वायर अपॉन डी आई ए लिख दूं तो देखिएगा ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये तो आई ए है और यहाँ पे आई ए का स्क्वायर है, यानी कि टी और टी के पावर एन है, तो यहाँ पे एन की जगह टू है और टी की जगह आई ए है, तो एन माइनस वन टू माइनस वन, तो इसे मैं टू आई ए लिख सकता हूँ, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे टू आई ए लिख देता हूँ इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, वी को वी ये जो माइनस है उस तरफ ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा टू आई ए आर ए, ठीक है ना, टू आई ए आर ए। ये जो ए है और ए इधर भी है और ए इधर भी है, ये क्या है सफिक्स में है, ठीक है। इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं जरा मैं यहां पे दिखा दूं। देखिए v बाई टू आई ए आर ए, ये बस आपने जो टू है ये नीचे ले गए हैं, तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो v बाई टू इक्वल्स टू आई ए आर ए, तो इतना समझ में आया। इसे मैं कौन सी थर्ड इक्वेशन मान के चल लेता हूँ, कौन सी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मान के चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन जो है वो मैं पुट कर देता हूं किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, आई ए आर ए की जगह वी बाई टू आ जाएगा, तो वी माइनस वी बाई टू, तो इसका एलसीएम लेंगे तो टू वी माइनस वी बाई टू, बचता क्या है, क्या बचेगा v बाई टू, दो में से एक गया,
एक बचा तो v by 2, तो हमारे पास अब आपको समझ में आ गया होगा EB equals to सप्लाई वोल्टेज का आधा, बैक ईएमएफ क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। तो यही हमें बताना था, यही मैंने डेरिवेशन के माध्यम से आपको बताया। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो इतना बड़ा डेरिवेशन करा दिया, हम तो चलो ये रट लेंगे। मैं मानता हूँ ठीक है, वो आपको रटना चाहिए, वो याद रखना भी चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा आपसे, लेकिन बट मैं ये कहना चाहता हूं ये डेरिवेशन में आपको पता होना चाहिए कि इनपुट पावर क्या होती है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर क्या होती है, ये अभी आगे काम आएगी, ये कहां से आई कहां से नहीं आई, ये रिलेशंस जो हैं ये आपके आगे काम आते हैं। तो बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या है, सप्लाई वोल्टेज का आधा है, सप्लाई वोल्टेज का आधा। तो देखिए यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन को, तो बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये वी आपकी क्या थी, सप्लाई वोल्टेज कह लो या अप्लाइड वोल्टेज कह लो, ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज थी ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज कह लो इसे, ये आधी थी, हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ की, तो बैक ईएमएफ की सप्लाई वोल्टेज आधी, सप्लाई वोल्टेज का आधा आपकी बैक ईएमएफ वोल्टेज होती है। तो यही आपका आंसर था। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पे कुछ और भी समझ में आता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ईबी इक्वल्स टू वी बाई टू, आप थोड़ा सा कंसीडर करें कि अगर वोल्टेज 100 होती है, अगर ये वोल्टेज 100 होती है, 100 वोल्ट सपोज कंसीडर कर रहा हूं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि जो ईबी होगा वो कितना होगा, ईबी कितना होगा, अगर ये 100 है तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, अरे बाप रे, ये 50, यानी कि ये आपका जो बैक ईएमएफ होता है अप्लाइड वोल्टेज का 50% वा भाग, यानी 50% होता है अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते थे, हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज की जगह 50% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज भी लिख सकते थे, लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे बैक ईएमएफ, आपने सप्लाई वोल्टेज कितनी दी थी, 100 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कितनी मिल रही है, 50 वोल्ट। बड़ा सोचने वाली बात ये है कि 100 वोल्ट दी थी, 50 वोल्ट मिल रही है, इसका साफ मतलब ये है जो बैक ईएमएफ है वो क्या काम कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज का अपोज कर रहा है, उसको इंटरप्शन कर रहा है। हालांकि आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके फायदे क्या है, रोल ऑफ बैक ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मुझे एक्चुअल में बैक ईएमएफ समझाना था जो कि सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज का हम कह सकते हैं आधा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा तो दो बार गया है यहाँ पे, 2016-2015 में कभी कभार डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेता है, ये फॉर्मूला भी कभी कभार यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आज हमने जो शुरुआत करी है वो हमने डीसी मोटर के बेसिक की शुरुआत करी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं इसी तरीके से आपको नई नई वीडियोस लाता रहूंगा, और आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।